हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम क्लास 8 हनी ड्यू की पहली पोएम द एंट एंड द क्रिकेट ये पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इस पोएम को शुरू करने से पहले इसकी समरी मैं आपको बता देता हूँ। एक बार एक फुलिश, एक मूर्ख क्रिकेट यानी कि जिंगुर जिसे हम कहते हैं वो था। वो हमेशा गाता और नाचता रहता था। उसने समर और स्प्रिंग सीजन के सुहावने दिन गाने में गुजार दिए। उसने रेनी डेज जैसे कठिन दिनों के लिए, मुश्किल दिनों के लिए कुछ भी खाने के लिए बचाकर नहीं रखा। विंटर आ गया, ज़मीन और पेड़ बर्फ से ढक गए। क्रिकेट के पास खाने को कुछ नहीं था, वो भूखा मरने लगा। उसे विश्वास था कि खाने के बिना वो भूख से मर जाएगा, इसलिए वो एक एंट यानी कि चींटी के पास गया। उसने उसे एक मुट्ठी भर अनाज ग्रेन्स उधार देने के लिए रिक्वेस्ट की। उसने प्रॉमिस दिया कि वो ये ग्रेन्स वो अगले ही दिन वापस कर देगा। बुद्धिमान, बहुत ही इंटेलिजेंट एंट यानी कि चींटी ने उसे बताया कि एंट ना तो उधार लेती है और ना ही देती है। फिर चींटी ने उससे पूछा कि उसने विंटर के लिए कुछ बचा के रखा है। क्रिकेट ने जवाब दिया कि मौसम बड़ा सुहावना था, इसलिए वो दिन रात गाता रहा। यह सुनकर चींटी ने उसे कहा, जाओ और सर्दियाँ भी डांस करके ही गुजारो। ये कहते हुए उसने धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर दिया और निकम्मे जिंगुर यानी कि क्रिकेट को घर से बाहर निकाल दिया। इस फेबल यानी कि लोक कथा का जो मोरल है वो ये है कि अगर तुम काम के बिना रह सकते हो तो तुम खाने के बिना भी तुम्हें रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अब पोएम शुरू करते हैं। एक्चुअली ये एक मूर्ख यानी कि बिल्कुल पागल क्रिकेट जो जिसे हम जिंगुर कहते हैं, जो समर और स्प्रिंग के गर्म धूप खिले दिन गाकर गुजारने का आदि था, एंजॉय करता रहता था हर टाइम। वो शिकायत करने लगा जब उसने देखा कि सर्दी यानी कि विंटर आ गई है और घर पर उसकी जो कब्बड़ जो अलमारी थी उसमें खाने का एक भी दाना नहीं है। बर्फ से ढकी धरती में यानी कि सर्दी के कारण खाने को अनाज का एक दाना भी नहीं देता था। ना तो उसे कोई फल दिखाई देता था, ना उसे किसी की या किसी पेड़ पर कोई पत्ता दिखाई देता था। क्रिकेट ने कहा, ओ अब मेरा क्या होगा। एंड में भूखमरी और अकाल से तंग आकर उसने साहस हिम्मत जुटाई और बारिश में भीगते हुए और ठंड से कांपते हुए वो एक कंजूस लेकिन बहुत ही इंटेलिजेंट एंट यानी कि चींटी से मिलने चला गया। वो जानना चाहता था कि क्या वह उसे जिंदा रखने के लिए बारिश से उसको बचाएगी और उसे मुट्ठी भर अनाज भी दे देगी। वो सिर्फ अनाज लेना चाहता था और सोचता था कि अगले ही दिन वो उसे अनाज वो जो ग्रेन्स थे वो लौटा देगा। अगर ये उसे न मिला तो वो भूख और दुख से मर जाएगा। चींटी ने कहा, मैं तुम्हारी नौकर और दोस्त हूँ, लेकिन हम एंट्स ना तो कभी उधार लेते हैं और ना कभी उधार देते हैं। डियर क्रिकेट, पर मुझे ये तो बताओ कि जब गर्मी का मौसम था तब तुमने कुछ भी नहीं बचा के रखा। क्रिकेट ने कहा, मैंने कुछ नहीं बचाया। क्रिकेट ने कहा, मेरा मन इतना खुश था, मैं नेचर की हर एक चीज़ को खुश देखकर दिन रात गाता ही रहा। इस पर एंट ने कहा, अच्छा श्रीमान, तुम कहते हो कि तुम गाते रहे, तो जाओ और सर्दियों को भी नाच नाच कर बिता दो।
इस तरह अपनी बात को ख़त्म करते ही चींटी ने जल्दी से दरवाज़ा खोला और छोटे से दुखी बेचारे क्रिकेट को घर के बाहर निकाल दिया। लोग उसे तर्कहीन फेबल यानी कि बिना मतलब की फेबल एक लोक कथा कहते हैं, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ ये सच्ची है। कुछ क्रिकेट के चार पैर होते हैं तो किसके दो ही होते हैं, यानी कि हम जैसे लोग। सो स्टूडेंट, ये थी आपकी पोएम। आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।